क्या गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे? क्या है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गुमनाम सच? कब तक जिंदा थे सुभाष चंद्र बोस? क्या फैजाबाद के गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी ही नेताजी थे? ये वो सवाल हैं जिन्हें लेकर आज तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत पर सस्पेंस बना हुआ है। सवाल ये कि क्या नेताजी की मौत 1945 में हुए प्लेन क्रैश में ही हुई थी, या फिर जैसा कि कुछ लोगों का मानना था कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई, बल्कि वो गुमनामी बाबा के नाम से यूपी में 1985 तक रह रहे थे। नेताजी और गुमनामी बाबा की जिंदगी से जुड़ी समानताओं को अहमियत देते हुए साल 2016 में यूपी की तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुमनामी बाबा की जांच के लिए जस्टिस विष्णु सहाय आयोग का गठन किया था। और आज जी न्यूज पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं गुमनामी बाबा पर जस्टिस विष्णु सहाय आयोग की रिपोर्ट। जस्टिस विष्णु सहाय आयोग की रिपोर्ट गुमनामी बाबा पर आ चुकी है, लेकिन यह आयोग भी गुमनामी बाबा की पहचान बताने में असफल रहा है। यानी गुमनामी बाबा की पहचान क्या थी, वो कौन थे, क्या वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, इस पर यह आयोग अपनी कोई अंतिम टिप्पणी नहीं दे सका है। जस्टिस विष्णु सहाय आयोग का मुख्य काम यह पता लगाना था कि गुमनामी बाबा की असली पहचान क्या है। क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे? 3 साल बाद जस्टिस विष्णु सहाय आयोग ने अपनी रिपोर्ट यूपी विधानसभा में पेश की, जिसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक करते हुए लिखा है कि आयोग द्वारा गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी की पहचान नहीं की जा सकी है। गुमनामी बाबा के बारे में आयोग ने कुछ अनुमान लगाए हैं। इन अनुमानों के मुताबिक गुमनामी बाबा बंगाली थे, वो अंग्रेजी और हिंदी भाषा के जानकार थे। गुमनामी बाबा एक असाधारण मेधावी व्यक्ति थे। बाबा के भवन से बंगाली, अंग्रेजी और हिंदी में अनेक विषयों की पुस्तकें प्राप्त हुई हैं। गुमनामी बाबा को युद्ध, राजनीति और सामयिक की गहन जानकारी थी। गुमनामी बाबा के स्वर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्वर जैसा प्राधिकार का भाव था। गुमनामी बाबा में प्रचंड आत्मबल और आत्मसंयम था। अयोध्या में 10 वर्षों तक गुमनामी बाबा पर्दे के पीछे रहे। पर्दे के पीछे से जो लोग गुमनामी बाबा को सुनते थे, वो सम्मोहित हो जाते थे। गुमनामी बाबा पूजा और ध्यान में पर्याप्त समय व्यतीत करते थे। गुमनामी बाबा संगीत, सिगार और भोजन के प्रेमी थे। हालांकि इतनी समानताएं बताने के बावजूद आयोग ने इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। आयोग ने माना कि गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी थे, लेकिन जिस समय यह बात प्रसारित होनी शुरू हुई कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने तत्काल अपना मकान बदल दिया। जाहिर तौर पर आयोग के फैसले ने अब इतिहासकारों के सामने भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ऑलरेडी माइंड मेकअप कर रखा कि मैंने इसको नहीं होने देना। इनफैक्ट उन्होंने स्टेटमेंट उन्होंने दी प्राइवेटली कि इसका कोई नेताजी से लिंक भी नहीं है किसका। तो आपका अगर ये माइंडसेट है, पूरा हाई कोर्ट का ऑर्डर है, फिर बहुत लीगलिस्टिक बातें बोलनी शुरू कर दी कि साहब मेरे को सिर्फ ऑपरेटिंग पार्ट से मतलब है हाई कोर्ट के, मुझे अगर यही बात है तो हम भी लीगलिस्टिक निकालेंगे, नुक्ताचीनी करेंगे। तो इस तरह की बहुत बात है, तो कमीशन के नाम पे मजाक हुआ है। इस रिपोर्ट से आगे जाना बहुत जरूरी है कि अगर वो नेताजी नहीं थे तो फिर वो गुमनामी व्यक्ति कौन था जो कि नेताजी के इतने नज़दीक था, जिसके पास इतना कुछ नेताजी की सामग्री मिली है, जो संबंध रखे हुए हैं, जिसने बहुत सारी बातों को कहा है, जो कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोग समझते हैं कि केवल नेताजी ही जानते थे। तो उस व्यक्ति का भी तो आइडेंटिफिकेशन होगा कि जो आदमी इतने साल आके वहाँ पर रह रहा है, इतनी चीज़ कर रहा है, तो व्यक्ति कौन था। चलिए एक बार को मैंने इनकी बात मान ली सहाय कमेटी की। इससे पहले भी नेताजी की जिंदगी से जुड़ी जांच के लिए मुखर्जी कमीशन बनाया गया था। इसी मुखर्जी कमीशन के सामने पेश हुए डॉक्टर एमएस पॉल ने जस्टिस सहाय की रिपोर्ट पर अब सवाल उठा दिए हैं। मेरा पहला रिएक्शन है कि जस्टिस सहाय शुरू से ही बहुत सीरियस नहीं थे, इसलिए मैं कंप्लेन करता हूं उनके मोड ऑफ एक्शन पर। मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया।
पहले आप सभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें जस्टिस मुखर्जी कमीशन के, जिसमें कई लोगों ने मना किया है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे, और बाकी मटेरियल का भी वैज्ञानिक परीक्षण किया जाए जो कि गुमनामी बाबा द्वारा इस्तेमाल किए गए, ये उन्होंने नहीं किया है। अगर इतिहास की बात मानी जाए तो एक हवाई दुर्घटना में नेताजी की मौत हुई थी। दुर्घटना की जगह बताई गई ताइपे, जो कि अब ताइवान का हिस्सा है। सबूत के तौर पर जापान सरकार ने हवाई दुर्घटना की कुछ तस्वीरें भी जारी की, लेकिन खुद ताइवान सरकार यह कहकर नेताजी की मौत पर सस्पेंस पैदा कर चुकी है कि जिस तारीख को हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मौत का दावा किया गया, उस दिन ताइवान में कोई हवाई दुर्घटना हुई ही नहीं थी। उस पर सुभाष चंद्र बोस या गुमनामी बाबा की मौत के भी 31 साल बाद दोनों शख्सियतों की पहचान की खोजबीन शुरू हुई। रिपोर्ट के मुताबिक यह दावा किया गया है कि गुमनामी बाबा अयोध्या के जिस भवन में रहते थे, उस भवन से बंगाली, अंग्रेजी और हिंदी की कई पुस्तकें प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा गुमनामी बाबा को युद्ध की बेहद अच्छी जानकारी थी, इस बात का भी दावा इस रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब यह बात प्रसारित होने लगी कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, तो गुमनामी बाबा ने अपना स्थान बदल लिया। कैमरामैन इलियास के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली।